बागपत से बड़ी सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री व भाजपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अपने आवास पर मृत पाए गए भाजपा नेता डॉक्टर आत्माराम तोमर। बड़ौद के बिजरो रोड पर अपने घर में अकेले रहते थे डॉक्टर आत्माराम तोमर। बताया जा रहा है कि उनके गले में तौलिया लिपटा हुआ था, जिनकी गला घोटकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि भाजपा नेता की गाड़ी भी गायब बताई जा रही है। आपको बता दे, छपरौली से भाजपा के टिकट पर 1993 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर आत्माराम तोमर। जनता वैदिक इंटर कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके थे, जिनकी आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। देर रात यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और उनके आवास पर भाजपा नेताओं का जमावड़ा लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बिजरो रोड का यह पूरा मामला है, जहां पर देर रात भाजपा नेता व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर आत्माराम तोमर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। लगभग फरवरी या मार्च के करीब से मैं इनके यहाँ पे ड्राइवरी करता हूँ। तो ये जो है हमारे डॉक्टर आत्माराम तोमर, पूर्व प्रिंसिपल जाट कॉलेज, और ये पहले राज्य मंत्री के पद वो स्तर पर भी रह चुके हैं। गन्ना कैसे पता लगा जी? हमारे पास, मेरे पास में जो है, मैं मेरठ से 5 बजे आया और मैं आते यहाँ पे आया, देखा तो यहाँ पे गाड़ी नहीं है, मुझे लगा कि ये बाहर गए हुए। फिर बाद में जो है मैं घर पे चला गया, घर पर जो है मेरे पास में इनके लड़के, बड़े वाले लड़के जो मेरठ में डॉक्टर है, डॉक्टर प्रताप तोमर, उनकी कॉल आई ये 9:30 बजे के बाद। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पिताजी से बात नहीं हुई है, मेरी बात करा दो एक बार। फिर मैंने जो है यहाँ पे ऊपर रूममेट जो ऊपर लड़के रहते हैं उनके पास में कॉल की, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे आए नहीं है, अभी वो बाहर है सुबह से ही, गाड़ी भी नहीं है यहाँ पर। फिर बाद में मैंने इधर उधर कॉल किया, कुछ पता नहीं चला। फिर जो है इनके लड़के डॉक्टर प्रताप जी ने हमें सलाह दी कि एक बार जो है ताला तोड़ो और अंदर देखो। और अंदर हमें थोड़ा डाउट ये हुआ कि जो पीछे का दरवाज़ा है वो हम बंद नहीं करते थे, वो भी बंद मिला है हमें। क्या आपने क्या देखा अंदर? अंदर देखा कि इनके फेस पर जो है टावल लिपटा हुआ था और चाहे जो है शरीर पर कंबल लिपटा हुआ था।